अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके पसंदीदा है। तो ये मैंने कच्चे जो आम है ये मैंने 2 किलो ले लिए इस तरह के। तो इसका हम मुरब्बा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले हम इसके जो है वो छिलके जो हैं वो उतार लेते हैं। एक आम ले लेते हैं आम, तो इसके छिलके हम उतार लेते हैं। अब हम इसके जो है वो लंबे लंबे जो है वो पतले काट लें जितनी आपको ज़रूरत है, उतनी इसकी अलग कर देंगे। जमनास इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा कढ़ाई भी नहीं रखनी। आपकी मर्जी, आप जिस तरह के बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि ये एक थोड़े लंबाई में हों तो ये ज़्यादा जो है वो अच्छे से गल भी जाते हैं और मज़े के भी बन जाते हैं। इसलिए जमनास से हम 2-2 कप कर लेंगे इसके। ये हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमने कटे मिटे आम का मुरब्बा तैयार करना था। तो ये हमने इस तरह लंबे लंबे कटरे जो है हमने बना लिए। तो ये सारे हम बनेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि 2 किलो है कच्चे आम है, ये खट्टे और मीठे हैं, यानी कि मिक्स हैं, ज़्यादा खटाई वाले भी नहीं हैं, ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं। तो इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी के शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह बॉयल आ गए, हमने इसको चेक करते रहना है। हमने इसको ज़्यादा नरम भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना। माशाल्लाह व्यूअर, तकरीबन हमारा कुक हो चुका है। तो इसमें हम ये 2 से 3 अदद जो है ये दालचीनी डालेंगे। तो व्यूअर, इसमें आप डालेंगे हम ये थोड़ा सा जो है वो इलायची पाउडर है, इससे शो बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करते हैं। ये तकरीबन मैंने 4 कप जो है वो मैंने ले लिए हैं शुगर के। तो ये हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे तो इसकी चाशनी बन जाएगी। फिर अगला जो प्रोसीजर है वो हम शुरू करेंगे। माशाल्लाह हमारा जो हमने इसमें से शीरा जो था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हमने ये डालना है, एसिड डालना है। जो एसर है वो हमने इसी चाशनी में जो है वो इसको थोड़ा सा पानी डाल के चाशनी वाला तो रख दिया था। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना ना डालें भी शक। ये इसको हम शामिल कर देंगे ताकि इसका कलर जो है वो प्यारा आ जाए। बहुत ही मज़े का है ये, आप सुबह नाश्ते के साथ इस्तेमाल करें, ब्रेड के साथ इस्तेमाल करें। बच्चों की तो ये बहुत ही पसंदीदा चीज़ है और वैसे भी ये ठंडा भी है, इसका फ्लेवर जो है वो असर जो है वो ठंडा हो जाता है। माशाल्लाह व्यूअर, इसमें चीनी जो है वो सारी जो है वो मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। माशाल्लाह ये बहुत मज़े का तैयार हो गया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह व्यूअर, हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। खट्टे मीठे जो है आम की रेसिपी थी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो ये हमने तैयार कर लिया, इसको ठंडा भी कर लिया। तो अब इसको हम शीशे की बर्नी में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने चाशनी जो उतारी थी ये उसका पानी है, इसको हम फेंकेंगे नहीं। ये हमारी बहुत काम की चीज़ है, इसका बहुत ही मीठा शरबत जो है अच्छा मज़े का बनता है और ठंडा भी होता है। तो इसमें हमने ये शुगर जो है ग्राइंड कर ली थी ये इसमें शामिल कर लेंगे।
थोड़ा काला नमक डालेंगे, इससे बहुत ही इसका जायका बन जाता है। ये हाफ टी स्पून से कम मैंने डाला, इसको मिक्स कर लेंगे। बर्फ डाल लेंगे हम थोड़ी सी इसमें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार शरबत बन जाता है। माशाल्लाह व्यूअर, हमारा मुरब्बा तैयार हो गया और साथ ही हमने जो है इसका शेक भी बना लिया है। बहुत मज़ेदार बना है, खट्टा मीठा है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और जो नए हैं मेरे इस चैनल पर, वो भी मेरी रेसिपी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दुआओं में याद रखा करें, इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए दिलों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।